हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम भी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है पीसीए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके यूनिट फोर जो कि दिया गया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में जो दिया गया है सबसे पहले अल्कोलॉइड्स, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मीन्स अल्कोलॉइड क्या होता है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, और इसके साथ साथ हमने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में भी बताया था। मीन्स प्लांट्स के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं, इन फाइटोकेमिकल्स में जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं और क्या इनका फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल बताया था इससे पहले के पार्ट में। तो इसका जो लिंक है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या आप हमारे यहाँ पे सजेस्टेड लिंक में भी जाके देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ब्रीफ में जान लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, डिफरेंट जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो गए, या रिप्रोडक्शन के लिए ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आते हैं। और जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, तो प्रोटीन्स के जैसे यूनिट हो गया अमीनो एसिड्स, लिपिड्स का यूनिट हो गया फैटी एसिड, ये सब भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आता है। दूसरा आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि नाम है ये सेकेंडरी, ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से बनते हैं, और ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो मेन फंक्शन होता है प्लांट में एज अ प्रोटेक्टिव या एज अ डिफेंसिव जो है रोल परफॉर्म करते हैं प्लांट्स के अंदर, या सो एज अ एडेप्टिव केमिकल्स जो है ये रोल परफॉर्म करते हैं प्लांट्स के अंदर। और ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है हमारे अंदर मीन्स ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं, जिसकी वजह से इसको थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जैसे कि अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अल्कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, अल्कोलॉइड्स जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अल्कोलॉइड होता क्या है। अल्कोलॉइड जो टर्म है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया बाय द जर्मन केमिस्ट जिनका नाम था कार्ल एफ डब्ल्यू मिसनेरिन। मीन्स इन्होंने ही सबसे पहले इस अल्कोलॉइड टर्म को इंट्रोड्यूस किया इन द ईयर 1819। और ये जो अल्कोलॉइड वर्ड है ये कहाँ से डिराइव किया गया है? ये अल्कोलॉइड जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम द अल्कली। मीन्स अल्कली वर्ड से ये अल्कोलॉइड जो है डिराइव किया गया है, इसलिए अल्कोलॉइड्स आर क्या होते हैं? अल्कोलॉइड्स आर अल्कली लाइक, एंड दिस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड अल्कली। अल्कली क्या होता है? अल्कली जो है बेसिक नेचर का होता है, तो ये कह सकते हैं अल्कोलॉइड्स क्या होते हैं? अल्कोलॉइड्स मेनली बेसिक नेचर के होते हैं। तो हमने यहाँ पे अल्कोलॉइड्स को डिफाइन किया है कि अल्कोलॉइड्स क्या होते हैं। अल्कोलॉइड्स आर द ग्रुप्स ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स क्या होते हैं अल्कोलॉइड्स? अल्कोलॉइड्स जो है नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच आर मेनली क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर। मीन्स बेसिक नेचर के होते हैं, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है उनके केमिकल स्ट्रक्चर में, मीन्स अल्कोलॉइड्स के केमिकल स्ट्रक्चर में वन और मोर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। मीन्स अल्कोलॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। और नॉर्मली अल्कोलॉइड्स क्या होते हैं? अल्कोलॉइड्स जो हैं हेट्रोसाइक्लिक नेचर का होता है। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है? हेट्रो मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, और साइक्लिक मतलब क्या हुआ? साइक्लिक मतलब कि जो रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे 5 मेंबर रिंग हो गए या 6 मेंबर रिंग हो, तो उसको हम साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या हुआ? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर हेट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं। हेट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी दूसरे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मींस नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, तो उनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो अल्कोलॉइड्स क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक नेचर के होते हैं, और मींस उसके स्ट्रक्चर में एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा जो है नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। और ये क्या होते हैं अल्कोलॉइड? अल्कोलॉइड जो है फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। मींस हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में और एनिमल बॉडी में क्या होते हैं ये? एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी में फिजियोलॉजिकल एक्शन मींस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो करते हैं। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होते हैं? मींस हमारे जो बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे हैं उन फंक्शंस में एक्ट करते हैं, उस फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं, तो उसी को हम फिजियोलॉजिकल एक्शन या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कहते हैं।
तो क्या होता है अल्कलॉइड्स? अल्कलॉइड्स आर द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड. नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कि ये जो अल्कलॉइड्स होते हैं, ये अल्कलॉइड्स हमको नेचर से ऑप्टेन होते हैं. नेचर से कहाँ से ऑप्टेन होते हैं ये अल्कलॉइड? नेचर से हमको ऑप्टेन होते हैं फ्रॉम द प्लांट्स. मतलब कि ये जो अल्कलॉइड्स होते हैं ये प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट्स में सिंथेसाइज होते हैं, और इस प्लांट से हमको ऑप्टेन होते हैं, या तो प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया या फंगस, या तो मरीन ऑर्गेनिज्म से हमको ये ऑप्टेन होते हैं ये अल्कलॉइड. मरीन ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मरीन सोर्स मतलब कि सी और ओशंस में प्रेजेंट होते हैं, तो इनसे हमको ऑप्टेन होते हैं अल्कलॉइड्स. इसी कारण से यहाँ पे लिखा है दिस आर द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और मेनली ये जो अल्कलॉइड होता है ये बेसिक नेचर का होता है, और इसके स्ट्रक्चर में, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें एटलीस्ट एक या एक से ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं. और ये जो नाइट्रोजन एटम जो है या तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होते हैं या तो ऐसा साइड चेन प्रेजेंट होते हैं रिंग के, तो इसी को हम हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बोलते हैं. और ये जो अल्कलॉइड्स होते हैं ये फिजियोलॉजिकली क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं. फिजियोलॉजिकली एक्टिव होते हैं मतलब कि ये जो है हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस में एक्ट करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस जो हो रहे हैं उसमें अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब इन अल्कलॉइड्स को किसके लिए यूज़ किया जाता है? इन अल्कलॉइड्स को थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. मीन्स बहुत से ऐसे डिसीज़ के एलिमेंट्स के ठीक करने के लिए इन अल्कलॉइड्स को यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, ऐसा मेडिसिन इसको यूज़ करते हैं. तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ अल्कलॉइड्स. उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे अबंडेंट जो है मतलब कि ये जो अल्कलॉइड्स होता है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है इन द हायर प्लांट्स. मतलब कि हायर प्लांट्स में ये अल्कलॉइड्स का जो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इसका प्रोडक्शन होता है. और दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है जो प्लांट्स की जो फैमिली होती है जिसमें ये अल्कलॉइड्स जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है वो है एपोसाइनेसी फैमिली, रूबिएसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली. एपोसाइनेसी फैमिली के अंदर जो प्लांट्स आते हैं जैसे कि विंका हो गया जिसको हम हिंदी में सदाबहार बोलते हैं, तो इसके अंदर अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. उसके अंदर रूबिएसी हो गया, रूबिएसी फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सिंकुना हो गया, तो सिंकुना के अंदर अल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद हो गया सोलेनेसी, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं जिसके अंदर अल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे एट्रोपा बेलाडोना हो गया, दतुरा हो गया, ये सब सोलेनेसी फैमिली के अंदर आते हैं जिसके अंदर अल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं. वैसे ही पेपेवरेसी फैमिली जैसे कि एग्जांपल पेपेवरम सोमनीफेरम मीन्स जो ओपियम के जो प्लांट होता है उसके अंदर अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, और बर्बेरिडेसी, तो ये सब जो है ये फैमिलीज जो होते हैं जिसमें रिच अमाउंट में क्या प्रेजेंट होते हैं? अल्कलॉइड्स जो है प्रेजेंट होते हैं. और जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्लांट्स में ही मोस्टली अल्कलॉइड्स जो है पाए जाते हैं, ये जो अल्कलॉइड्स जो होते हैं मोस्टली प्लांट्स से ऑप्टेन होते हैं, प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं. इसके अलावा अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स हो गए, एनिमल्स में सेल्फिश हो गया, या जो टोट के जो स्किन हो गया उसमें अल्कलॉइड्स जो है प्रोड्यूस होता है. इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जैसे कि बैक्टीरिया या फंगस हो गया, इसमें भी ये अल्कलॉइड जो है प्रोड्यूस होते हैं. इसके बाद जो हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो है द अल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट इन एनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. मतलब कि ये जो अल्कलॉइड्स होते हैं ये अल्कलॉइड का जो प्रोडक्शन होता है या तो कोई स्पेसिफिक पार्ट में प्रेजेंट होता है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक पार्ट में इन अल्कलॉइड्स का प्रोडक्शन होता है, या तो एंटायर प्लांट में इस अल्कलॉइड का प्रोडक्शन होता है. तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है जैसे कि एरियल पार्ट, मीन्स एरियल पार्ट मतलब बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसके एरियल पार्ट में, होल एरियल पार्ट में क्या होता है इन अल्कलॉइड्स का प्रोडक्शन होता है. जैसे कि इफेड्रा का जो प्लांट है उसके होल एरियल पार्ट को यूज़ करते हैं क्योंकि इसके पूरे एरियल पार्ट में इन अल्कलॉइड्स का प्रोडक्शन होता है, और जिसमें जो मेन अल्कलॉइड होता है जिसमें मेन थेरेप्यूटिक एक्टिविटी होती है वो है इफेड्रीन, और इस इफेड्रीन को यूज़ किया जाता है थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए. मीन्स इस इफेड्रीन को एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है, इफेड्रीन को यूज़ किया जाता है एज अ एंटी एस्थेमेटिक मीन्स अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एंटायर प्लांट, मतलब कि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसके एंटायर प्लांट में इन अल्कलॉइड्स का प्रोडक्शन होता है. तो जैसे कि एग्जांपल विंका क्या होता है, विंका सदाबहार बोलते हैं जिसका बॉटनिकल नेम कैथरेंथस रोजियस होता है, और ये जो विंका का जो प्लांट है इसके एंटायर प्लांट को हम यूज़ करते हैं क्योंकि एंटायर प्लांट्स में इन अल्कलॉइड्स का प्रोडक्शन होता है, और इसमें जो मेन अल्कलॉइड जो होता है मेन अल्कलॉइड का नाम है विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन, और ये विनक्रिस्टीन ये विनब्लास्टीन ये एक्टिव
एक्टिव केमिकल होता है मींस यही मेन केमिकल होता है जिसकी वजह से ये जो कैथरेंथस रोजियस है, इस कैथरेंथस रोजियस की मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है मींस थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है इसी अल्कोलॉइड की वजह से मींस विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। और इस विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन को यूज किया जाता है एज एन एंटी कैंसरस ड्रग मींस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इन अल्कोलॉइड्स को यूज किया जाता है मींस ये जो विंका रोजिया है विस कैथरेंथस रोजियस के प्लांट से इन अल्कोलॉइड्स को क्या किया जाता है डिफरेंट एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन मेथड से इन केमिकल्स मींस इन अल्कोलॉइड को आइसोलेट करते हैं और उसके बाद उसको एज अ मेडिसिन यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है लीव्स। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसके लीव्स के अंदर मेनली अल्कोलॉइड्स का क्या होता है प्रोडक्शन होता है, जैसे कि टी। टी के लीव्स को यूज़ करते हैं क्योंकि ये टी के लीव्स में मैक्सिमम कंसंट्रेशन में क्या होता है कैफीन का प्रोडक्शन होता है। और ये कैफीन क्या है, ये कैफीन होता है अल्कोलॉइड। और ये कैफीन को यूज़ किया जाता है एज अ CNS स्टिमुलेंट, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं रूट। रूट बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें रूट में प्रोडक्शन होता है इस अल्कोलॉइड्स का, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है रॉल्फिया। रॉल्फिया जिसके रूट में स्पेसिफिक इन अल्कोलॉइड्स का प्रोडक्शन होता है और उसमें जो मेन अल्कोलॉइड मेन केमिकल होता है जिसकी वजह से थेरेप्यूटिक एक्टिविटी होती है वो है रेजपिन। तो रेजपिन क्या है, यहाँ पे अल्कोलॉइड है जो कि किसमें प्रेजेंट होता है रॉल्फिया के रूट में। और रॉल्फिया क्या होता है, रॉल्फिया को सर्पगंधा कहा जाता है और सर्पगंधा के रूट में जो मेन अल्कोलॉइड होता है मेन केमिकल होता है वो है रेजपिन, जिसकी वजह से थेरेप्यूटिक एक्टिविटी होती है। और ये रेजपिन को यूज़ किया जाता है एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, मतलब कि ये जो रेजपिन है इसको हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। मींस रॉल्फिया के रूट को या तो हाइपरटेंशन के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है डायरेक्टली, या तो इस रॉल्फिया के रूट से रेजपिन को एक्सट्रैक्ट करके आइसोलेट करके इस रेजपिन को हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है बार्क। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें बार्क में स्पेसिफिक जो है अल्कोलॉइड्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि सिंकोना। सिंकोना का जो बार्क है मीन सिंकोना प्लांट के बार्क में लार्ज अमाउंट में जो अल्कोलॉइड्स का प्रोडक्शन होता है उसमें जो मेन अल्कोलॉइड होता है वो है क्विनिन। और ये क्विनिन की जो थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है मीन्स मेडिसिनल पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाता है, इस क्विनिन को यूज़ करते हैं हम एज एन एंटी मलेरियल ड्रग, मतलब कि इस क्विनिन को यूज़ किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। मीन्स ये जो सिंकोना प्लांट है, इस सिंकोना प्लांट की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी होती है क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ दिस क्विनिन। मीन्स इस क्विनिन अल्कोलॉइड की वजह से ये सिंकोना प्लांट की क्या होती है थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी मीन्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद सीड है। बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जिसके सीड को में प्रोडक्शन होता है इस अल्कोलॉइड का, जैसे कि नक्सवोमिका। नक्सवोमिका के सीड में अल्कोलॉइड का प्रोडक्शन होता है, जो मेन जो अल्कोलॉइड होता है जो एक्टिव अल्कोलॉइड होता है उसका नाम है स्ट्राइकनी। उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लिया है फ्रूट। फ्रूट में एग्जांपल है जैसे कि ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर में जो अल्कोलॉइड्स का प्रोडक्शन होता है उसके फ्रूट में वो है पाइपरीन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लेटेक्स। लेटेक्स बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके लेटेक्स में प्रेजेंट होता है ये अल्कोलॉइड, तो इनके लेटेक्स को इसलिए यूज़ किया जाता है। लेटेक्स क्या होते हैं, ऐसे वाइट मिल्की सिक्रीशंस होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है ओपियम। तो ओपियम जो होते हैं, ओपियम का जो कैप्सूल होता है उस ओपियम के कैप्सूल में इंसिशन करने के बाद जो मिल्की सिक्रीशन होता है उस मिल्की सिक्रीशंस में अल्कोलॉइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गए मॉर्फिन या कोडीन। मॉर्फिन कोडीन और भी डिफरेंट अल्कोलॉइड्स जो कि ओपियम में प्रेजेंट होते हैं, ये जो मॉर्फिन और कोडीन होता है जो कि अल्कोलॉइड्स है किसमें प्रेजेंट होता है ओपियम में। और क्या किया जाता है, इस ओपियम से इस मॉर्फिन और कोडीन को आइसोलेट किया जाता है मींस अलग किया जाता है और इस मॉर्फिन और कोडीन को डिफरेंट थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं, जैसे कि मॉर्फिन को यूज किया जाता है एज अ पोटेंट एनाल्जेसिक। पोटेंट एनाल्जेसिक मतलब कि इसको मीन्स ये जो मॉर्फिन है उसको सीवियर जो पेन होता है सर्जरी या मेजर जो इंजरी हो गई उसमें जो पेन होता है उसमें इस मॉर्फिन को यूज किया जाता है। मीन्स ये जो मॉर्फिन होता है ये स्ट्रांग पेन किलर होता है। उसके बाद निकोटीन को भी यूज़ करते हैं डिफरेंट मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो यहाँ पे हमने कुछ क्लिनिकल यूजेस लिखे हैं, तो किसके लिए किस किस चीज़ के लिए ये अल्कोलॉइड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट अल्कोलॉइड्स यूज़ किए जाते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया था यहाँ पे मॉर्फिन, तो यहाँ पे एग्जांपल एनाल्जेसिक, ऐसा एनाल्जेसिक पेन किलर इसको यूज़ किया जाता है। वैसे ही एंटी मलेरियल, तो हमने क्विनिन बताया था कि सिंकोना से ऑप्टेन होता है तो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद एंटी स्पास्मोडिक भी उसकी प्रॉपर्टी होती है बहुत से ऐसे अल्कोलॉइड्स की।
एंटी स्पास्मोडिक, मतलब स्पास्म मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स स्मूथ मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको हम स्पास्म बोलते हैं। और एंटी स्पास्मोटिक क्या होते हैं, एंटी स्पास्मोटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो इस स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो बहुत से ऐसे अल्कलॉइड्स को एज अ एंटी स्पास्मोटिक यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेपावरिन। उसके बाद नेक्स्ट है हाइपरटेंशन के लिए, जैसे रोल्फिया का जो रूट हो गया, रोल्फिया के रूट में जो प्रेजेंट रेजपिन होता है उसको हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स उसमें एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और बहुत से ऐसे अल्कलॉइड है जिसको मेंटल डिसऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। और बहुत से ऐसे अल्कलॉइड्स हैं जो कि प्लांट्स में हमको ऑप्टेन होते हैं, प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है एज एन एंटी कैंसर ड्रग, मतलब कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया था विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, जो हमको ऑप्टेन होता है, जो प्रोड्यूस होता है विंका के प्लांट में, मीन्स कैथरेंथस रोजियस के प्लांट में ये प्रोड्यूस होता है। तो हो गए डिफरेंट क्लिनिकल यूजेस ऑफ अल्कलॉइड्स। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अकरेंस। नेचुरली जो ये अल्कलॉइड्स होते हैं वो किस फॉर्म में अकर होते हैं, तो मेनली जो प्लांट्स में जो अल्कलॉइड्स जो अकर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, मीन्स ऑर्गेनिक एसिड्स के सॉल्ट के फॉर्म में ये अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फ्यूमारिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस इन द प्लांट। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये प्लांट्स के अंदर मेजर रोल परफॉर्म नहीं करते हैं, ये सेकेंडरी रोल परफॉर्म करते हैं। मीन्स क्या फंक्शंस होता है इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मीन्स अल्कलॉइड्स का, तो ये अल्कलॉइड जो होते हैं प्रोटेक्टिव रोल परफॉर्म करते हैं, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द इंसेक्ट एंड हर्बिवोरस, मीन्स प्लांट्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्लांट्स के को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मीन्स अल्कलॉइड का प्रोडक्शन करता है ये प्लांट अपने आप को इंसेक्ट या हर्बिवोरस एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एज बिटरनेस या तो टॉक्सिसिटी मीन्स ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस या पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिससे ये इंसेक्ट्स अटैक नहीं होता है और हर्बिवोरस जो एनिमल्स हैं इनको फीड नहीं करते हैं। उसके बाद सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन या वेस्ट प्रोडक्ट इन सर्टेन केसेस। तो सर्टेन प्लांट्स में क्या होते हैं ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो अल्कलॉइड्स होते हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोडक्शन होते हैं या कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड रिजर्वायर फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो अल्कलॉइड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज अ रिजर्वायर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑल्सो इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन केस ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, मीन्स प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो प्लांट्स के अंदर एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन भी एक्ट करते हैं ये अल्कलॉइड्स। तो ये हो गया जो मेजर फंक्शंस हो गए, सेकेंडरी फंक्शंस हो गए ये अल्कलॉइड्स का इन द प्लांट्स। और ये जो अल्कलॉइड्स है ये हमारे बॉडी में मीन्स ह्यूमन या एनिमल बॉडी में ये थेरेप्यूटिक एक्टिविटी मीन्स मेडिसिनल एक्टिविटी शो करते हैं, जिसकी वजह से उसको ऐसा डिफरेंट अल्कलॉइड्स को डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिनल पर्पस के लिए, थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और बहुत से ऐसे अल्कलॉइड्स होते हैं जो कि पॉइजनस भी होते हैं, और बहुत से ऐसे अल्कलॉइड्स होते हैं जिसको सिंथेसाइज भी किया जाता है इन द लैब, जिसको हम सिंथेटिक अल्कलॉइड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कैफीन, कैफीन जो है नेचुरली भी अकर होता है, नेचुरली भी अकर होता है मतलब कि ये टी में या कॉफ़ी में ये प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है। और ये जो कैफीन है इसको लैब में भी सिंथेसाइज किया जाता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, तो इसको हम सिंथेटिक कैफीन बोलते हैं। तो ये हो गया अल्कलॉइड्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अल्कलॉइड्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।